इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बुंदेलखंड की राजनीति में दखल रखने वाले चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह खुरजेवाल के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ललितपुर जिले के पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के सुपुत्र गुड्डू राजा बुंदेला ने हजारों गाड़ियों एवं हजारों समर्थकों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ललितपुर जिले के लगी हुई खुड़ई विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी उनको उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट खुड़ई बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां बीजेपी के दिग्गज नेता बाहुबली भूपेंद्र सिंह का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक दिग्गज नेता की तलाश कर रही थी। कांग्रेस पार्टी खुड़ई विधानसभा सीट से ललितपुर के दिग्गज नेता गुड्डू राजा बुंदेला को अपनी प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस में गुड्डू राजा की एंट्री होने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल में गुड्डू राजा बुंदेला ने बुंदेलखंड के आसपास लगी मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा का सफाया करने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है। क्या बात करें, भ्रष्टाचार की मैं क्या बात सुनाऊं। आज प्रदेश का हर व्यक्ति करिए। जब चुनाव आयोग की जो हथकड़ी है, दूसरी हथकड़ी तो बाद में लगेगी चुनाव के बाद, वो इनके इनकी बाजुओं में जब जकड़ी जाएगी, उसके बाद कमलनाथ जी का पिटारा खुलेगा, कांग्रेस का पिटारा खुलेगा और फिर मध्य प्रदेश का भविष्य बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत कांग्रेस परिवार में स्वागत। आपसे मुझे विश्वास है कि आपके आने से जो कांग्रेस के साथियों को गति मिलेगी, जो ताकत मिलेगी, वो बेजोड़ है और आप स्वयं भी बेजोड़ हैं। आपका स्वागत। जय हिंद। धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। गुड्डू राजा जिंदाबाद। गुड्डू राजा जिंदाबाद।
गुड्डू राजा जिंदाबाद। आदरणीय श्री कल्याण जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, सम्मानित बाबा साहब जी, यहाँ पर कांग्रेस जन और हमारे साथ आज सुंदर निधन के सभी नौजवानों का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। आज सभी लोग कह रहे हैं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अरे भैया बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूँ, मैं धन्यवाद वापसी हूँ। डीएनए कांग्रेस ही है, जानते हैं हमारे दादाजी उदय सिंह बुंदेला जी ने बुंदेला जी के जमाने से इस कांग्रेस की सेवा की है। उसके बाद हमारे पिताजी सुधांश सिंह बुंदेला जी जो सौवास हो गए हैं, दो बार सांसद रहे, विधायक भी रहे, छोटी कड़ी से लेकर बड़ी लंबी लोकसभा की होती है वहां तक पहुंचे वो। आज उनकी आत्मा में खुशी हो रही होगी कि हमारा गुड्डू कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। लेकिन इसी के साथ मैं आश्वासन देना चाहता हूँ अपने सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे सभी आदरणीय नेताओं को कि बुंदेलखंड में भाजपा का सफाया होगा, सूपड़ा साफ होगा। मेरी बात छूटी नहीं है, मेरे अपने कार्यकर्ताओं की दम पे बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड के हर लड़के की दम पे बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड के हर गांव की दम पे बोल रहा हूँ, नौजवानों की दम पे बोल रहा हूँ। कांग्रेस की 26 में 26 सीटें बुंदेलखंड में आएंगी और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे, क्योंकि यही एक शख्स है जो मध्य प्रदेश के हर नौजवान का साथ दे सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा दे सकते हैं, हर आदमी का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। मैं ज्यादा बात करने नहीं, क्योंकि सभी लोग कर चुके हैं बात, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है और आगे भी कहेंगे। हम तो सिर्फ यहाँ सच्चे सिपाही के रूप में आए, कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में जो जो हमारे जो कार्यकर्ता कहेंगे और हमारे जो नेता हमारे मुखिया कमलनाथ जी कहेंगे, जो आदेश देंगे तो गुड्डू राजा पूरा करेगा। और लेकिन जो बुंदेलखंड में कार्यकर्ताओं को छुएगा उसके लिए मैं उसके कार्यकर्ताओं को अगर पसीना बहेगा तो गुड्डू राजा का खून होगा उसके लिए। मैं आज से वादा करता हूँ जहाँ आदेश देंगे बुंदेलखंड की सीटों पर या जहाँ बाहर जहाँ जिले में काम पे लगाएंगे, गुड्डू राजा हमेशा तैयार रहेगा 12 महीना 24 घंटे। हमारे जितने भी नेताओं ने आज यहाँ कांग्रेस ज्वाइन कर, महेंद्र प्रताप सिंह जी, छोटेलाल पांडे जी, अरविंद ढाकर जी, अंशु रघुवंशी जी, केशव यादव जी, दिनेश परियार जी, गुड्डू कहाँ गया, गुड्डू भाई, सब इनके साथीगण का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, कांग्रेस का साथ दिया है, और केवल कांग्रेस का साथ नहीं दिया, इन्होंने सच्चाई का साथ दिया है, इन्होंने सच्चाई का साथ। और आप सब जो यहाँ आए हैं, जो शामिल हुए हैं, आप सब सच्चाई का साथ देने आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न, आप सब ने तय किया कि हम मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सबके सामने है। क्या बात करें, भ्रष्टाचार की मैं क्या बात सुनाऊं। आज प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।